हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग बाय दी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दी ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू दी पेरेंट। आई थिंक ये जो लास्ट वाली लाइन है ये आपको पहले से पता है, पहले से जो हम इसको कवर कर चुके हैं, तो इस लाइन को मैं मिटा देता हूं। ऊपर वाली लाइन को देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना, यानी एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। और वो नया ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है? फ्यूजन की वजह से। फ्यूजन यानी कि दो चीजों का आपस में मिक्सिंग। और दो चीज है कौन सी? गैमेट्स। ठीक है, तो गैमेट जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद में ऑफस्प्रिंग जो है वो बनता है। हम इसको स्केच से समझते हैं। एक मेल होता है, मेल को मेल इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है। जो मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है यानी मेल, उसकी सेक्स सेल को हम बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म को इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं कि ये एक टाइप का गैमेट है। तो गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल। सिमिलरली अगर हम फीमेल को भी देखें तो जो फीमेल जो है वो रिलीज करती है क्या? एग। एग भी क्या है? वो भी एक सेक्स सेल है। तो हम मेल को मेल इस वजह से ही कहते हैं बिकॉज ही इज प्रोड्यूसिंग स्पर्म, और फीमेल को फीमेल इस वजह से कहते हैं बिकॉज सी इज प्रोड्यूसिंग एग। एग और स्पर्म क्या है? सेक्स सेल है, जो तभी प्रोड्यूस होते हैं जब ऑर्गेनिज्म जो है अपनी प्यूबर्टी पे आता है। प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जहां पर मेल के सेक्स हॉर्मोन एंड फीमेल के सेक्स हॉर्मोन उनकी बॉडी के अंदर सिक्रेट होना स्टार्ट करते हैं एंड उनके अंदर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो दो अलग अलग गैमेट है स्पर्म और एग, ये दोनों एक दूसरे के साथ में फ्यूज होते हैं और जो इनकी फ्यूजन की प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन। फ्यूजन किसका? गैमेट्स का फ्यूजन। तो जो गैमेट्स का फ्यूजन है उससे क्या बनता है? उससे बनता है जाइगोट। और जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट आगे चल के डिवाइड होना स्टार्ट करता है एंड वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। और जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है एक फाइनली ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम यही डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर एग जो है वो बनता किस तरीके से, कहां पर बनता है, किस ऑर्गन के अंदर बनता है, कब बनता है, फर्टिलाइजेशन कितने अलग अलग टाइप की हो सकती है, जाइगोट की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो एंड ऑफस्प्रिंग के बारे में जो है हम कुछ पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑफस्प्रिंग को बनने से रेगुलेट जो है वो किया जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस स्केच के अंदर देखें, इस स्केच के अंदर मेल कौन होता है? मेल होता है हमारा फादर, और फीमेल कौन है? फीमेल है मदर। और मेल जो है वो क्या बनाता है? स्पर्म। अब स्पर्म बॉडी में कहां बनता है? ये पर्टिकुलर एक ऑर्गन के अंदर बनता है। अगर हम उस ऑर्गन को अगर स्टडी करें, मेल का स्पर्म जहां पर बनता है अगर हम उसको स्टडी करें तो हमें मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो समझना पड़ेगा। तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले बना के देखना पड़ेगा कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कहां पर है, कैसा है। तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो बनाते हैं हम। तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, अच्छा ये जरूरी है कि जो मैं डायग्राम बनाने लग रहा हूं उसके साथ साथ में आप प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको फिर बाद में परेशानी ना हो। तो हियर इट इज, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो बनने लग रहा है। Yeah.
सो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या पार्ट आता है, थोड़ा उस चीज को हम समझते हैं। तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सबसे पहला पार्ट क्या आता है, पेनिस आता है। तो पेनिस जो है वो एक ऐसा रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जिस ट्रैक के ठीक सेंटर में प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा एक पाइप है और अगर हम उस पाइप को देखें तो वो पाइप यहां पे आके मिला हुआ है। ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होगा, यूरिन स्टोर होगा। तो यहां से क्या निकलता होगा, यूरिन निकलता होगा, ठीक है। तो पेनिस एक काम, पेनिस का एक काम जो है वो हो गया क्या, यूरिन को बाहर निकालना। अगर आप यहां आगे का पार्ट देखिए तो ये मैंने थोड़ा सा बल्ब सा मैंने दिखाया है, जो ये बल्ब सा बना हुआ है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। थोड़ा सा स्वेलन होता है एक्साइटमेंट के लिए जो है वो होता है। अगर हम इसका और पार्ट देखें तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे जो यूरेथ्रा बाहर निकलने लग रहा है उससे एक डक्ट जो है वो ओवर अटैच है, और जो ये डक्ट अटैच है वो किसके साथ मिली हुई है, आकर एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस वो ऑर्गन है जहां पर क्या बनता है, स्पर्म। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहां होता है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस का एक और फंक्शन है, और वो टेस्टिस का फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स हार्मोन है। जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो उसकी वजह से जो मेल है उसके अंदर कोई सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है वो डेवलप होते हैं। जैसे कि एक जो बॉय है वो अराउंड 13-14 ईयर्स पे जब आ जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। जैसे आर्मपिट है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहां पर हेयर्स जो है वो डेवलप जो है होने लग जाएंगे। जो वॉइस जो है वो ज्यादा डीपन जो है होने लग जाएगा। जो एडम्स एप्पल है यानी कि जो वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा स्वेलन जो है होने लग जाएगा। बाल जो है बॉडी के अंदर वो रिलेटिवली ज्यादा आने लग जाएंगे। जो शोल्डर जो है वो ज्यादा ब्रॉड जो है वो होने लग जाएगा। मस्कुलर एक्टिविटी जो है यानी कि मसल जो है वो और ज्यादा डेवलप होने लग जाएंगे। जो मोस्टेज है और बियर्ड जो है वो आने लग जाएंगे। ये सारे करैक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है। और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। रिलीज कौन करता है, टेस्टिस। टेस्टिस के दो फंक्शन हो गए, एक हार्मोन सिक्रेट करना और दूसरा स्पर्म का प्रोडक्शन करना। जो यहां पर टेस्टिस है वो प्रेजेंट है एक सैक के अंदर, और जो सैक है उसका नाम है स्क्रोटम। और जो स्क्रोटम है उसका काम है कि वो 3-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसको कम रखे। तो 3-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, उसी की वजह से ही जो उन स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो हो पाता है। अगर यहां 3-4 डिग्री अगर टेम्परेचर कम ना हो तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से जो ये सैक है जिसको हम स्क्रोटम कहने लग रहे हैं उसको हम अलग से नाम भी दे देते हैं कि वो थर्मोस्टेट है, जो टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करता है, उसको जो है मेंटेन जो है वो करता है। स्पर्म जो यहां पर बनते हैं वो स्पर्म जाते हैं यहां ऊपर, और यहां ऊपर देखें तो एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसका नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का काम क्या है, स्पर्म को मैच्योर करना। स्पर्म यहां पर मैच्योर होते हैं, इसके अलावा स्पर्म यहां पर स्टोर भी होते हैं। फिर उसके बाद में यहां से जब पास होते हैं तो एक बड़ी सी ट्यूब जो है वो आ जाती है। जो बड़ी सी ट्यूब है उसका नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है एपिडिडाइमिस को कनेक्ट कर देती है किसके साथ में, यूरेथ्रा के साथ। बट इससे कनेक्ट होने से पहले यहां पर छोटे से पेयर ऑफ पाउच है जिसको बोलते हैं हम सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल है वो एक लुब्रिकेटिंग फ्लूड जो है वो रिलीज करता है, अल्कलाइन मटेरियल वो रिलीज करता है। और वो रिलीज इस वजह से करता है क्योंकि जब स्पर्म जाते हैं इस यूरेथ्रा के अंदर तो यूरेथ्रा पे कई बार जो है यूरिन की कुछ ड्रोपलेट पाई जाती है, और जो यूरिन जो है वो स्लाइटली एसिडिक है। अगर स्पर्म यहां डायरेक्टली अंदर चले जाएंगे तो उसकी वजह से स्पर्म के अंदर डैमेज हो सकता है, वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो इसी वजह से सेमिनल वेसिकल जो है वो अपना केमिकल सिक्रीट करते हैं। इसके साथ में एक और ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी अपना लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस जो है वो रिलीज करता है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो रिलीज करता है, अल्कलाइन मटेरियल जो है वो रिलीज करता है,
प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से स्पर्म की स्पीड जो है बढ़ती है एंड जो स्पर्म जो है वो यहां से चलता हुआ अल्टीमेटली कहां पर पहुंच जाता है, यहां से बाहर जो है निकल जाता है। ठीक है, तो अगर मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखें तो इसके अंदर एक प्राइमरी ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन और जो टेस्टोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन। इसके अलावा इसके अंदर डक्टस सिस्टम है, जो डक्ट है उसके अंदर एपिडाइडेमस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा है। इसके अलावा इसके पास दो इंपोर्टेंट ग्लैंड है, सेमेन लोसाइकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कुछ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस जो है वो रिलीज करता है। यहां पर जो स्पर्म जो बाहर निकलता है वो एक फ्लूड की फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसको अलग से हम सीमन बोलते हैं। सीमन के अंदर दोनों चीजें होती हैं, एक इनके द्वारा सिक्रेट किया हुआ फ्लूड और दूसरा स्पर्म भी होता है। एक अलग से ग्लैंड भी यहां पर प्रेजेंट होता है, एक बड़ा छोटा सा ग्लैंड हो जाता है जिसको बल्बो यूरेथ्रल या फिर अलग से कोप्रस ग्लैंड जो है वो भी कहते हैं। कोप्रस ग्लैंड का काम क्या है, वही लुब्रिकेशन का काम होता है। ठीक है, तो तीन ग्लैंड हो गए, याद हो जाएगा इनका काम, प्रोडक्शन का हो गया, हो जाएगा ये ट्रांसफर का हो गया ये सारी चीज हो गई। ये काम कब स्टार्ट होता है, जब पर्सन प्यूबर्टी पे आता है, और प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जहां पर सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट होना स्टार्ट होती है एंड जो सेक्सुअल हॉर्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं एंड स्पर्म का प्रोडक्शन जो स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं भाई। अब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें एक सेंट्रल पार्ट जो है वो दिखाई देगा, जो सेंट्रल पार्ट है उसका एक माउथ है जिसको अलग से बोलते हैं हम सर्विक्स। तो ये नीचे वाला पार्ट जो है वो सर्विक्स है, ऊपर वाले पार्ट को यूट्रस या फिर इसकी बॉडी जो है वो भी कह देते हैं। एंड ये फिर कनेक्टेड है कुछ एक ट्यूब से, जिसको हम अलग से बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ओवी डक्ट जो है वो भी हम कह देते हैं। एंड यहां पर ये कनेक्टेड है ओवरी से, तो इसके पास ओवरी है। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी ये डक्ट जो है वो गई हुई है, और जो ये डक्ट है फीमेल के अंदर भी उसके साथ भी क्या कनेक्टेड है, ओवरी जो है वो कनेक्टेड है। तो ओवरी जो है यहां पर कनेक्टेड है। तो अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर देखें तो हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो इसके अंदर वजाइना है, फिर उसके बाद सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद इसका यूट्रस है, यूट्रस के ऊपर अगर देखेंगे तो फैलोपियन ट्यूब है, जिसको इन अदर वर्ड हम क्या कह देते हैं, ओवी डक्ट है। फिर इसके बाद हमें क्या मिलता है, ओवरी जो है वो मिलता है, एंड इसके साथ में कुछ लिगामेंट जो है वो अटैच है, जो ओवरी को इसके साथ जो है जुड़े रखते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार एनालॉजी देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या सिमिलरिटी है। पहले भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर दोनों जो है प्राइमरी ऑर्गन टेस्टिस और ओवरी है। तो जैसे पेयर ऑफ टेस्टिस मेल के अंदर थे, उसी तरीके से फीमेल के अंदर भी पेयर ऑफ ओवरी जो प्रेजेंट थी। जो मेल के अंदर टेस्टिस है वो क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, यानी कि मेल का सेक्स हॉर्मोन रिलीज करते हैं। ये भी क्या रिलीज करते हैं, ओवरी भी रिलीज करती है हॉर्मोन, कौन कौन सा, एक तो रिलीज करती है एस्ट्रोजन, और दूसरा ये रिलीज करती है कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। और इसके अलावा ये क्या करती है, जो एग है उसको रिलीज करती है। तो यानी कि दो काम हो गए, एक तो सेक्स सेल जो है वो बनाने का, और दूसरा जो सेक्स हॉर्मोन जो है वो रिलीज करने का। तो जो मेल के अंदर टेस्टिस का काम है वही काम कौन करने लग रहा है, यहाँ पे ओवरी के अंदर होने लग रहा है। लेकिन जो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम सैक के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर एक सैक जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, जबकि
जो फीमेल है उसके अंदर जो ओवरी जो है वो बॉडी के अंदर ही यानी एब्डोमेन जो है उसके अंदर जो है पाया जाता है लोअर एब्डोमेन के अंदर। इसके अलावा और देखे तो इसके पास जो है ओविडक्ट प्रेजेंट है, तो एक ओविडक्ट यहाँ पे है, एक ओविडक्ट जो है यहाँ पे है, जैसे नाम से क्लियर है ओवी यानी एग और डक्ट है, तो ऐसे डक्ट है जिससे एग जो है वो कैरी जो है वो किया जाता है, तो ओवी जो है वो रिलीज करती है एग और वो जो एग है वो यहां से आगे बढ़ता है और यहां से पास होता हुआ यहाँ पे पास होता है। मेन जो फर्टिलाइजेशन की साइट है यानी कि जो हमने कहा स्पर्म और एग जो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो वो अल्टीमेटली इसी ओविडक्ट के अंदर ही होते हैं, तो इट इज ऑल्सो ए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर प्रिसाइज अगर कहें तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसको तीन अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक स्टेमस, दूसरा एम्पुला और तीसरा इनफंडिबुलम, तो तीन अलग अलग पार्ट है इसके। एंड जो एम्पुला स्टेमस का जंक्शन जो है वहीं पर ही फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है। यूट्रस जो है वो मेन ऑर्गन है जिसका काम है फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको कैरी ऑन करना, जो बच्चा होता है उसको 9 मंथ के लिए जो न्यूट्रेंट वगैरह सप्लाई करना होता है वो अल्टीमेटली यहीं से ही होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन टर्म ऑफ प्रेगनेंसी। और लास्ट में जो है वजाइना है जिसके थ्रू गैमेट जो है वो बाहर निकलते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लड होता है वो अल्टीमेटली जो है यहीं से जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, अगर हम स्पर्म और एग के बारे में बात करें क्योंकि अब हम दोनों के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं, अगर हम इसके बारे में अगर बात करते हैं तो जो स्पर्म है उसके पास एक हेड प्रेजेंट होता है, उसके पास एक मिड पीस होता है और फिर एक लंबी सी टेल होती है। जो स्पर्म का हेड है उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ऊपर जो है न्यूक्लियस है एंड इसके जस्ट अबो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम अलग से बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो एक्रोसोम है उसके पास ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से ये एग को पेनिट्रेट कर सकता है। अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगी। इसके बाद इसकी छोटी सी नेक होती है एंड फिर उसके बाद इसका मिडल पीस होता है। जो इसका मिडल पीस है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो सेल को यानी स्पर्म को जो एनर्जी मिलती है वो अल्टीमेटली यहीं से मिलती है एंड फिर एक लंबी सी इसके पास में टेल होती है। तो स्पर्म का साइज रिलेटिवली स्मॉल होता है लेकिन जो एग है उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। एंड अगर हम दोनों गैमेट की अगर बात करें तो दोनों गैमेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि क्रोमोसोम नंबर दोनों के अंदर हाफ होता है, यानी कि स्पर्म और एग जब एक दूसरे के साथ में मर्ज होते हैं एंड जब अल्टीमेटली जाइगोट बनता है तो जो जाइगोट यहां पर बनता है उसके अंदर एक इसका न्यूक्लियस आ गया और एक इसका न्यूक्लियस आ गया, तो एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जनरली 46 क्रोमोसोम। अगर ये दोनों एक दूसरे से मर्ज करेंगे तो अल्टीमेटली जाइगोट के अंदर कितना ये सेल हो जाने चाहिए, कितने क्रोमोसोम हो जाने चाहिए थे? 46 यानी 92 हो जाने चाहिए थे, लेकिन जो स्पर्म है उसके अंदर क्रोमोसोम 46 नहीं होते, उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23। और जो एग है उसके पास भी क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23। तो 23 और 23 जब आपस में मर्ज होते हैं तो जो जाइगोट बनता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल हो जाते हैं? 46। इंपॉर्टेंट, स्पर्म आर दी गैमेट्स आर दी स्पेशलाइज सेल विच आर हैप्लोइड इन नेचर, दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड चूंकि वो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसी वजह से जब दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और जब जाइगोट बनता है तो उसके अंदर वापस 46 क्रोमोसोम होते हैं जो नॉर्मल हमारी बाकी सभी सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो गैमेट जो है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हमारे अंदर की बात करें तो हमारे अंदर कैसे होता है, जब भी सेक्स होता है कोइटस होता है तो स्पर्म जो है यहां से पेनिट्रेट होकर के अंदर की तरफ जाते हैं और जब अंदर की तरफ जाते हैं तो यहां पर यानी कि जो ओविडक्ट है वहां पर एक दूसरे का फ्यूज करते हैं एंड यहां पर अल्टीमेटली जाइगोट जो है वो बना देते हैं, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन हुई और यहां पर क्या बन गया? जाइगोट जो है वो बन गया। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहां हुई? बॉडी के अंदर हुई। लेकिन अगर आप कंपेयर करो किसके साथ? फ्रॉग के साथ या फिर एम्फीबियन के साथ या फिर फिशेज के साथ, तो अगर आप इनके अंदर देखोगे तो इनके गैमेट बॉडी के अंदर नहीं जाते बल्कि पानी के बाहर होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के बाहर होती हो तो उस टाइप के फर्टिलाइजेशन क्या कहेंगे हम? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइप की होगी?
दो टाइप की होगी, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये रिलेटिवली सेफ है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये रिलेटिवली अनसेफ है, क्योंकि गैमेट में फ्यूजन होगा या नहीं होगा, प्रीडेटर उसके सेल को खाना ले, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से शायद फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है कम हो जाए। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो उसके अंदर चांसेस जो है बड़े रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग को देखें, मैमल्स को अगर देखें तो उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन अगर हम फिशेज को देखते हैं, अगर हम एम्फीबियन को देखते हैं, तो उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, यानी कि वाटर के अंदर होती है। तो हमारे ये पार्ट भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है जाइगोट जो है वो बन गया। जाइगोट जब बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है? वेल, जो जाइगोट बना है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर बना है, और जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर बनता है तो फिर उसके बाद में जाइगोट के अंदर डिवीजन होनी स्टार्ट होती है, और डिवीजन जब होनी स्टार्ट होती है तो फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो। डिवीजन स्टार्ट रहती है और वो यहां से पास होकर के, वो फिर यहां से पास होकर के अल्टीमेटली आता है कहां पे? यहां यूट्रस के पास। यूट्रस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसका नाम है एंडोमेट्रियम, और जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, यहां वाली लेयर है, उसके अंदर न्यूट्रिशन काफी ज्यादा होता है, तो जो एम्ब्रियो है वो इसको पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करके वो इसके अंदर चला जाता है। पेनिट्रेट करके अंदर जाना, यानी कि यहां से यहां अंदर जाना, इस प्रोसेस को बोल देते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांट हो गया, क्या इम्प्लांट होगा? जो एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट होगा। अब जब ये इम्प्लांट हो गया तो जेस्टेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी का पीरियड, 9 मंथ का पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है, और बच्चे के अंदर ग्रोथ होनी जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये 9 मंथ तक का होता है। फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं उसके अंदर बॉडी के ब्रेन बनते हैं, डिफरेंट जो ऑर्गन जो है वो डेवलप होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 3 मंथ होते हैं उसके अंदर नेल्स हेयर्स जो है वो डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, और लास्ट के जो 3 मंथ है उसके अंदर बेबी जो है कंप्लीट डेवलप हो जाता है। ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट जो बेबी जो है वो न्यूट्रिशन कहां से लेता है? उससे एक कोड बाहर निकलती है जिसको बोलते हैं अम्बेलेक्रल कोड, और जो अम्बेलेक्रल कोड है वो कनेक्टेड होती है प्लेसेंटा के साथ। प्लेसेंटा एक मास है यूट्रस की एंडोमेट्रियम का, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उस कॉर्ड का, तो जो मिक्सर है उसकी वजह से एक इंटीमेट कनेक्शन बनता है जिसके थ्रू प्लेसेंटा डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि फूड, वाटर, एयर, न्यूट्रिशन, सारा जो है वो इसी के द्वारा आता है, और साथ में जो वेस्ट जो है उनका रिमूवल भी इसी के थ्रू जो है होता है, साथ में हॉर्मोन का ट्रांसफर, प्रोटेक्शन जो है वो भी इसी की वजह से जो होता है। तो यानी कि ढेर सारे इंपॉर्टेंट काम जो है वो यहाँ पे होते हैं। अल्टीमेटली जब बच्चा जो है फुली डेवलप हो जाता है तो बेबी का इसी यूट्रस से बाहर निकलना होता है, जिसको हम बोल देते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसमें बेबी की डिलीवरी जो है इस यूट्रस से हो जाती है। अगर हम यहां पर देखें कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उस केस के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर एक दूसरी प्रोसेस भी स्टार्ट होती है, वो जो दूसरी प्रोसेस होती है हम उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। को ध्यान से समझे, मेंस्ट्रुअल, मेंसेस का मतलब है मंथली। तो एक साइकिल है, और वो साइकिल कैसी है? मंथली साइकिल है, हर मंथ होते हैं, एंड उस हर मंथ पे क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको हम अलग से ब्लीडिंग साइकिल या फिर मंथली साइकिल भी कह देते हैं। उस साइकिल के अंदर क्या होता है? मेनली उसके अंदर 3 इवेंट होते हैं। 3 इवेंट कौन कौन से होते हैं? पहला इवेंट भाई, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो बनने लग जाती है कहां पे? यूट्रस के अंदर। तो ये हमारा यूट्रस रहा, और जो यूट्रस है अगर हम उसके अंदर देखें तो जो यूट्रस है उसके ऊपर की जो लेयर है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम के ऊपर मल्टीपल लेयर्स जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। जो मल्टीपल लेयर्स यहां पे बननी स्टार्ट होती है वो इम्पोर्टेंट है फॉर दी बेबी इम्प्लांटेशन, क्योंकि ये जो लेयर होती हैं उनके अंदर बहुत सारे ग्लैंड
ब्लड वेसल न्यूट्रिशन जो प्रेजेंट होता है जो कि बेबी को चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। तो पहली चीज क्या होगी, एंडोमेट्रियम जो है वो सिंथेसाइज होनी स्टार्ट होगी। दूसरा इवेंट भाई ओवुलेशन होगा इसके अंदर, ओवुलेशन जो है उस जो ओवरी जो है वहां से ओवुलेशन होगा। जनरली ये होता है एट 14th डे, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में। जनरली हम 28 दिन का मंथ जो है वो लगाते हैं, 28 का आधा 14, तो 14 डे पर ओवुलेशन होता है, यानी एग जो है वो बाहर निकलता है, किससे, ओवरी से जो है एग जो है वो बाहर निकलता है। एग निकल के यहां पर जाता है एंड वो इस वजह से बाहर जाता है ताकि स्पर्म जो उसको मिले एंड फर्टिलाइजेशन हो सके एंड फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन जो है वो उसके। लेकिन व्हाट इन केस की भाई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उस टाइम पे थर्ड इवेंट जो है वो हो जाता है। और थर्ड इवेंट क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक होनी ब्रेक एंड जो ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जनरली 3 से 5 दिन तक जो ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट होती है। एंड वो किस वजह से हुआ, क्योंकि जो एग जो रिलीज हुआ है उस एग को फर्टिलाइज करने के लिए कोई भी स्पर्म जो है उसको मिला नहीं, जिसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक होनी स्टार्ट होती है। और जैसे ये ब्रेक होती है तो ये बनी किसकी थी, कई सारी ब्लड वेसल ग्लैंड की बनी हुई थी, तो उसकी वजह से जो ब्लड जो है वो यहां से बाहर निकलता है और वजाइना से आउट जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 3 इवेंट से मिलकर बनी हुई एक साइकिल है जो 28 डेज की होती है। उसके ठीक बीच में जो है ओवुलेशन होता है, यानी कि रिलीज ऑफ दी एग, एंड उससे पहले जो एंडोमेट्रियम बनती है, एंड फिर जो थर्ड इवेंट होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक जो है वो होने लग जाती है और ब्लीडिंग जो है वो होनी उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट पहली बार जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं मैन आर। और जो ब्लीडिंग एक बार बंद हो जाए तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। पोज का मतलब क्या होता है, स्टॉप, और स्टॉप क्या हो गया, मंथली साइकिल जो है वो स्टॉप हो गई। तो जनरली ये कब स्टॉप होती है, स्टॉप होती है नॉर्मली जब 45 अराउंड 50 या 55 डेज हो जाती है जब एक फीमेल की, तो उस टाइम पे ये ब्लीडिंग होनी जो है वो बंद हो जाती है। फर्स्ट ब्लीडिंग कब होती है, जनरली 10 से 12 साल की जब एक गर्ल होती है तो उस टाइम पे जो है ये स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन जो है आई थिंक यहां तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, तो अब बात करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ने लग रही है। अगर पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ती रहेगी तो उसकी वजह से ढेर सारी अलग अलग प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर पोल्यूशन ही बढ़ता है, क्योंकि उतने ज्यादा ट्रैफिक वाहन जो ओवर आते हैं। इसके अलावा खाने के लिए फूड जो है वो ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन घर बनाने होते हैं, तो इस वजह से जो लैंड एक्वायर है वो रिलेटिवली और ज्यादा बढ़ने लग जाता है, फूड की स्कैसिटी जो है वो होने लग जाती है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज्यादा बाहर निकलते हैं, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आने लग जाती है, कंस्ट्रक्शन जो है और ज्यादा बढ़ाना पड़ जाता है, तो ढेर सारी अलग अलग प्रॉब्लम जो है आने लग जाती है। एंड हमारा जो देश जो है वो रिलेटिवली जैसे पहले विकासशील था, तो अगर पॉपुलेशन से कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले टाइम पे भी विकासशील ही रहेगा, कभी भी उसकी प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से वी रिक्वायर सर्टेन बर्थ कंट्रोल मेथड, ऐसे बर्थ कंट्रोल जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन जो है वो ना हो और अल्टीमेटली एक ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस ना हो। तो उसके लिए एक अलग अलग मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं। उनके लिए कौन कौन से मेथड है, एक तो है बैरियर मेथड। बैरियर यानी कि जब गैमेट बाहर निकलते हो तो उनके आगे ही एक कोई ऐसा बैरियर जो है वो अड़ा दो जिसकी वजह से गैमेट जो है वो बॉडी के अंदर ना जा पाए। जैसे कि फीमेल एंड मेल के लिए अलग से कॉन्डोम जो है वो आते हैं, जिसकी वजह से जो गैमेट जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो नहीं जा पाता। इसके अलावा फीमेल के लिए कुछ अलग से इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जिनको हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलते हैं या फिर IUD कहते हैं। IUD जैसे कॉपर टी बड़ी पॉपुलर है, आपने पहले भी सुनी होगी। तो कॉपर टी एक टी शेप की एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर कॉपर की रिंग लिपटी हुई होती है एंड उसको यूट्रस के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। इसी वजह से कहते हैं इसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा का मतलब क्या है, विद इन,
यूट्रस के अंदर ही एक जो टी शेप की डिवाइस डाली है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे मल्टी लोड है, कोपर टी है, तो कई सारी अलग अलग टाइप की आती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन जो नहीं होती। जनरली दो बच्चों के बीच में अगर गैप अगर करना है तो उस पहले बच्चे के बाद में जो है मल्टी लोड जो है वो यूज की जाती है, ताकि अगला बच्चा जो है उसके लिए दो से तीन साल का गैप जो है वो दिया जा सके। इसके अलावा कुछ अलग से हार्मोन, जो हार्मोन की पिल जो है वो अलग से यूज की जाती है, जैसे मिनी पिल है। अब जैसे मिनी पिल का तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जैसे मालाडी है, मालाडी का आपने बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। तो मालाडी क्या करती है, ऐसी जो गोलियां जो है वो ओवुलेशन को स्टॉप करती है। तो ओवुलेशन जो होता होगा, तो एग यहां से बाहर अगर निकलता होगा तो उसको ये बाहर नहीं निकलने देगी, ओवुलेशन को स्टॉप कर देगी। तो जनरली जो ये मालाडी की जो गोलियां होती थी उनको डेली लिया जाता था, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट बॉडी के अंदर हाई रहती थी एंड ओवुलेशन नहीं होता था। अगर ओवुलेशन नहीं होता था तो एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं जाएगा, और जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन जो है वो भी नहीं हो पाएगी। तो एक टाइप का ये भी तरीका था, केमिकल मेथड से जो है वो रोका जा सकता था। इसके अलावा कुछ और भी मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि वास्कोटोमी नाम है, वास्कोटोमी। एक्ट का मतलब क्या होता है, काटना। वास का मतलब वास डिफरेंस, जैसे ये वास डिफरेंस है, अगर मैं इसको काट दूं एंड फिर यहां से टाई अप कर दूं तो क्या होगा, स्पर्म यहां से जाएंगे और यहां से यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो जो पिनस है उससे स्पर्म जो है वो बाहर निकल पाएंगे। तो इस टाइप की जो कटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वास्कोटोमी। सिमिलरली फीमेल के अंदर भी होती है, अगर फीमेल का अगर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसके फेलोपियन ट्यूब अगर काट दी जाए एंड फिर अगर टाई अप कर दी जाए तो उससे क्या होगा, जो एग ओवरी से रिलीज हुआ है वो यहां से यहां तक तो चला जाएगा, लेकिन यहां तक जो है वो जा पाएगा नहीं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंसीव जो है वो नहीं जो है हो पाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो भी आ गई है, जैसे फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड यानी कि फीमेल का किलिंग इन दी यूट्रस, तो डेट इज वेरी बैड। तो हमारी जो गवर्नमेंट जो है उसने इसके लिए अलग से जो है रूल जो है वो बना रखे हैं, ताकि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उस डॉक्टर का जो लाइसेंस जो है वो वहीं पे टर्मिनेट जो है कर दिया जाए, एंड जो पेरेंट भी होगी उनको अलग से जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो सजा जो है वो दी जाए। इसके बाद हमारा लास्ट का टॉपिक आ जाता है, वो है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ऐसी कोई भी डिजीज जो सेक्स के दौरान यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा अगर ट्रांसमिट होती है तो उसको बोल लेते हैं एसटीडी। उनमें से बड़ी पॉपुलर डिजीज है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी डिजीज। तो ऐसी जो डिजीज होती है वो इम्यून सिस्टम को ज्यादा कमजोर करती है, जिसकी वजह से अलग अलग डिजीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा लगती है एंड बॉडी जो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और अल्टीमेटली डेथ जो हो जाती है। एड्स का अभी तक इलाज जो है वो नहीं हुआ है, वायरल डिजीज है, लेकिन कुछ बैक्टीरियल डिजीज भी है, जैसे कि गोनेरिया है, जैसे कि सिफेलिस है, दोनों बैक्टीरियल डिजीज है लेकिन ये जो है क्योरेबल है एंड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से होती है। अगर गोनेरिया या फिर सिफेलिस अगर हो जाती है तो साइन सिम्टम क्या है, वेल कैंकरी या फिर जो फोडेफोंसी जो है वो होने लग जाते हैं रिप्रोडक्टिव एरिया के अंदर। इसके अलावा यूरिनेशन वाइल बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन ये भी हो जाता है, यूरिन करते हैं और काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन जो है वो होती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एरिया के अंदर अगर शोर कहीं पे घाव अगर हो जाते हैं तो वो भी एक साइन है कि शायद एसटीडी जो है वो हो सकती है। तो जब भी कोई ऐसा साइन सिम्टम हो तो क्या करना चाहिए, वेल डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड मेडिसिन जो है उसकी लेनी चाहिए एंड अल्टीमेटली हो सकता है कि उसका इलाज जो है टाइम पे हो जाए। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें उसको, या फिर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें एंड बताएं कि कहां पर प्रॉब्लम है, मैं उसको जो सॉल्व आउट जो है वो जरूर करूंगा। मैं अलग से जो है एमसीक्यू जो है वो अभी आपको पोस्ट करूंगा, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।